अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। बेटा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, साथ में बेटा आंसर को चेक भी करके बताना है, उत्तर की जांच करना है। बच्चों इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या है? बच्चों वेरिएबल को एक तरफ कर लो और नंबर को बेटा दूसरी तरफ कर लो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिए किस तरह से, आपको बेटा इस क्वेश्चन में वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई क्या है? वेरिएबल। मैंने आपसे कहा वेरिएबल एक तरफ करो, नंबर दूसरी तरफ। देखिए किस तरह से, ये बेटा 2y माइनस का y, ये बेटा दूसरी तरफ जाएगा प्लस का y दिया, ठीक है, और इक्वल टू 26/3, ठीक है, प्लस का 5/3 है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। आपने क्या करा बेटा, आपने वेरिएबल एक तरफ कर लिया, नंबर को दूसरी तरफ कर। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 2y और ये बच्चों 1y, कितने हो गए 3y। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, यदि डिनोमिनेटर में नंबर सेम होता है तो बेटा एलसीएम में वही नंबर आता है, मतलब 3 आएगा। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही सरल होता है, क्यों? क्योंकि बेटा सिर्फ ऊपर लिखे हुए नंबर साइन के साथ लिखना होता है। देखिए 26 - 5, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन, ये बच्चों 3y, 26 में से 5 माइनस करोगे 21 और ये अपॉन 3, और सिंपलेस्ट बना लो, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, ये बच्चों 3y = 7। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इस 3 को हटाना होगा, 3y के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 7/3, ये आ गई y की वैल्यू। इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब बच्चों हमें इस आंसर को चेक करके बताना है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2y + 5/3 और बेटा इसमें y की वैल्यू रखेंगे, 2y की जगह बेटा 7/3 और प्लस 5/3, मल्टीप्लाई कीजिए 14/3 और प्लस 5/3, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में बेटा सेम नंबर लिखा है, तो बच्चों एलसीएम में वही नंबर आएगा, मतलब 3 आएगा, और बच्चों ऊपर लिखे हुए नंबर साइन के साथ वैसे ही आ जाते हैं, मतलब 14 + 5 कितना हो गया 19/3, ये बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब बच्चों राइट हैंड साइड की बारी, 26/3 - y, 26/3, y की जगह बेटा 7/3। अब आप ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो बेटा एलसीएम वही नंबर आता है, मतलब 3 आएगा, और बच्चों ऊपर लिखे हुए नंबर साइन के साथ वैसे ही आ जाते, मतलब 26 - 7 लिखो। अब बच्चों घटाइए कितना आएगा 19 और अपॉन 3। अब आप ध्यान देना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी 19/3 आ रही, ठीक है, और बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व करी, वह भी बच्चों 19/3 आ रही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से बेटा आंसर चेक किया जाता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है y = 7/3।